कि वॉट इज पॉलिटिकल साइंस में पहला यूनिट तो कवर करा ही लिया था आपको, वॉट इज पॉलिटिकल साइंस, नेचर, स्कोप्स, मीनिंग, डेफिनेशन, सब कुछ पहला यूनिट. दूसरा यूनिट था हमारा स्टेट, तो स्टेट क्या है, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, उसका सब कुछ बता दिया था. बट बस आपको उस वीडियो में मैं कुछ नेचर्स बताई थी आपको, अब बोला था कि कुछ आप खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए, आप कैसे सेलेक्ट करेंगे ये भी बताया था. लेकिन क्योंकि उसमें मैंने बोला था कि लास्ट में और अच्छे से बताऊंगी आपको, तो क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो गई थी, तो फिर मैंने नहीं बता पाई उस वीडियो में. तो मैं इस वीडियो में और आपको एलिमेंट्स भी बताए थे मैंने उस वीडियो में आपको स्टेट के, तो टोटल तो ऐसे चार एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन आपको उस वीडियो में आपको मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट के साथ स्टेट के दो ही एलिमेंट बता पाई थी मैं, और दो तीन पॉइंट नेचर के. तो इसमें जो है जो कुछ भी बच गया था उस वीडियो का स्टेट के बारे में, जैसे हमारे दो एलिमेंट्स हम डिस्कस कर चुके थे, पॉपुलेशन और टेरिटरी. अब हम इसमें क्या जो दो बचा था, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे. और हम दूसरा चीज़ जो नेचर, आप कुछ पॉइंट्स बताए थे और बोले थे आप खुद से भी बनाइए, ऐसे ऐसे बनता है, क्योंकि कुछ चीज़ों का नहीं होता, हमको इंस्टेंट बनाना पड़ता है एग्जाम में आने तक, तो वो चीज़ें मैं आपको पूरा ऐसा करती हूँ, मैं आपको लिख के देती हूँ, लिख के ही दे दूँगी, बट आप फिर भी कुछ चीज़ें आप खुद से भी समझिए. अगर आप मतलब पहले कोशिश करिएगा, मैं देखूँगी अगर आपको नहीं आ रहा तब मैं सोच रही थी कि आपको बताऊँ, बट अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी तो मैं देखूँगी, तो वीडियो क्लास में आपको नेचर भी बता ही दूँगी, क्योंकि मैंने लगभग चार पांच पॉइंट आपको बता दिया था, और सोचा थे पांच पॉइंट आप खुद से भी लिख ले, मैंने एग्जांपल्स भी दिया था उसका, बट देखते हैं अगर आपको जैसे इजी पड़े मैं आपको वैसे कर दूंगी. मैं आपको सीखने के लिए चीज़ कर रही थी कि आप लोग थोड़ा खुद से बनाएं तो थोड़ा आइडिया मिलेगा, ठीक. और देखते हैं स्टेट. स्टेट में हमने मीनिंग, डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ लिया था, उसके एलिमेंट जो होते हैं हमारी यूनिट टू में जो नेचुरल एलिमेंट है, तो नेचर जो कि मैं आपको कुछ बता चुकी थी, कुछ मैं बता दूंगी, फिर से रिवाइज करा दूंगी उसको. और एलिमेंट्स में दो हमने जैसे पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट था, और स्टेट क्या था, स्टेट वो था हाँ जो जहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं और वो एक गवर्नमेंट द्वारा रूल ऑर्गेनाइज की गई रहती है, और बाहर से उसका कोई कंट्रोल नहीं होता उस स्टेट पे, सिर्फ वहाँ की जो गवर्नमेंट है वही उस पर कंट्रोल करती है, ठीक. तो ये चीज़ें थी, और उसके जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो क्या थे, वो हमारा पॉपुलेशन, क्या बिना पॉपुलेशन के स्टेट बनेगा नहीं, जैसे कि बिना, जैसे हम आपको एग्जांपल भी दिए थे कि बिना स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी बनेगी नहीं बनेगी, ठीक. या बिना स्टूडेंट की पढ़ाई शुरू हो सकती, कोई टीचर पढ़ाते जा रहे हैं, बिना स्टूडेंट ही नहीं है तो कौन पढ़ेगा, कोई मतलब नहीं है पढ़ाने का. तो वैसे ही बिना पॉपुलेशन के कोई स्टेट नहीं फॉर्म हो सकता है. क्या बिना यूनिवर्सिटी या बिना स्कूल के बच्चे पढ़ सकते हैं? हाँ, वो बहुत गाँव वाला स्टाइल था, मतलब उसके लिए भी बैठने के लिए जगह चाहिए ना बच्चों को, जहाँ टीचर पढ़ाएंगे. तो अगर वो ना रहे तो क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कुछ भी बन सकता, नहीं बन सकता है. तो जगह, टेरिटरी, प्लेस, फिक्स्ड एरिया उस चीज़ का होना चाहिए ना. वैसे ही हमारे स्टेट नहीं फॉर्म होगा जब तक हमारे पास फिक्स टेरिटरी या कोई एरिया ना हो, ठीक. और उसमें हम ये भी पढ़ते हैं, बहुत लोगों ने बताया था, बहुत सारे थिंकर्स ने पॉपुलेशन इतना हो उतना हो, तो अब फिर बाद में बोला कि कोई पॉपुलेशन से मैटर नहीं करता कि कितनी क्वांटिटी है पॉपुलेशन की, उसकी क्वालिटी कैसी है उस पर मैटर करता है, भले ज़्यादा हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई आइडियल ऐसे नहीं बताया गया पॉपुलेशन का. और टेरिटरी छोटी हो बड़ी हो डजेंट मैटर, वो बस मतलब वो उसकी पावर होनी चाहिए बस. ज़्यादातर तो ऐसे जो अच्छा माना जाता है वो लार्ज टेरिटरी जो होती है उसको, ठीक है. अब हम गवर्नमेंट पे देखते हैं, गवर्नमेंट क्या था, गवर्नमेंट का मैं स्टेट का, स्टेट में गवर्नमेंट का कह रहा हूँ. तो एक पॉइंट था कि जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट वो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि विदाउट गवर्नमेंट स्टेट नहीं रह सकता, स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. क्योंकि स्टेट को स्टेट बनाने में उसके एक स्टेट कब स्टेट है जब उसकी पॉपुलेशन है, टेरिटरी है. अब क्या हुआ जब वहाँ पर कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कुछ लोगों की बिहाफ में रह के दूसरी कंट्री को फेस करने के कोई है नहीं, दूसरी कंट्री क्या करेगी, अटैक करेगी, खुद मिला रहेगी, कौन बचाने जाएगा नेबरिंग कंट्री को, मतलब जब अटैक होता है दूसरे कंट्री से तो गवर्नमेंट सामने आती है ना कि नहीं हमारी कंट्री अपनी तरफ से आर्मी भेजती है, ये भेजती. जब गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी हमारी कंट्री कौन बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, एक पीपल लेके तो बॉर्डर पर लड़ने जाए नहीं जाएंगे, तो गवर्नमेंट का क्या रहेगा. देखिए जैसे गवर्नमेंट है तो क्या स्टेट बना, उसकी फिक्स बाउंड्री है, लोग उसकी शांति से उसके मतलब उस स्टेट बाउंड्री के अंदर प्लेसेस में रह रहे हैं, हैप्पी है, बहुत सारी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, तो वो स्टेट में लोग सुख शांति एक हारमोनी पीस बना के हैं उस लिमिटेड एरिया के अंदर, जो उनका एरिया उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है,
टोटल की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से। तो स्टेट एक स्टेट क्यों है? गवर्नमेंट की वजह से। अगर गवर्नमेंट ना हो तो एक स्टेट स्टेट नहीं रह जाएगी, तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक, तो आइए हम पढ़ते हैं। इसलिए हमारा पहला पॉइंट है, गवर्नमेंट इज द वर्किंग ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का वर्किंग है, मतलब स्टेट स्टेट रहेगा, मतलब स्टेट की जितने काम है, जितनी जरूरत है कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। फिर इट इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। इसको आप चाहें तो दो पॉइंट्स में लिख लें, पहला दूसरा करके आप एक ही में भी लिख सकते हैं, मैंने तो इतना ही लिखते हैं। गवर्नमेंट इज द वर्किंग ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट जो है वर्क जितने भी स्टेट के वर्क है वो करती है। दूसरी बात, इट इज़ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। एक पॉलिटिकल हमारे स्टेट की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी गवर्नमेंट। जैसे जो भी ए टू जेड जितनी भी फैसिलिटीज देनी हो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नीड्स, जो कुछ भी कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो जितने भी स्टेट के फॉर्म वर्किंग है वो कौन करता है? हमारा गवर्नमेंट करती है। और ये पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट के लिए। ठीक, अब दूसरा, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज बाई गवर्नमेंट। अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज बाई गवर्नमेंट। जितने भी स्टेट के अथॉरिटी, मतलब जितने भी राइट्स वगैरह होते हैं, कौन उसको यूज़ करता है? कि वो गवर्नमेंट यूज़ करती है। जो रूलिंग पार्टी प्रेजेंट में होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वही यूज़ करती है सभी अथॉरिटीज़ को। फंक्शन ऑफ द स्टेट एंड परफॉर्म बाई गवर्नमेंट। देखो, अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज बाई गवर्नमेंट। जितने भी काम होते हैं वो गवर्नमेंट करती है। फंक्शन ऑफ द स्टेट, जितने भी फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, वो अरे स्टेट के, वो गवर्नमेंट करती है। मतलब अथॉरिटी जो होती है वो एक्सरसाइज बाई गवर्नमेंट, फंक्शंस जो होती हैं वो भी स्टेट के, वो भी कौन करता है? फंक्शंस ऑफ द स्टेट परफॉर्म बाई गवर्नमेंट। अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज बाई गवर्नमेंट, फंक्शन ऑफ द स्टेट परफॉर्म बाई गवर्नमेंट। ठीक, चाहे फंक्शंस हो, चाहे अथॉरिटीज हो, चाहे लॉ ऑफ द स्टेट हो, वो भी कौन बनाता है? डिक्लेयर एंड इन्फोर्स बाई गवर्नमेंट। उसको मतलब डिक्लेयर करती है कि हाँ ये हमारा लॉ होगा और इसको लागू करवाती है। कौन कराता है? गवर्नमेंट करता है। जितने भी रूल, लॉ, रेगुलेशन कौन लाता है? गवर्नमेंट लाती है। जितने भी अथॉरिटी राइट्स हैं उनका एक्सरसाइज कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो कौन करता है? इलेक्शन करवाना है और लोगों को कोई स्कीम आई है वो प्रोवाइड करवाना है, कोई अवेयरनेस कैंप चलवाना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंप चलवाना है, हर एक घर में टॉयलेट बनवाना है, हर एक घर के पास घर होना चाहिए, हर एक को इलेक्ट्रिसिटी मिले, हर एक को पानी मिले। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? गवर्नमेंट करा रही है। तो अथॉरिटी एक्सरसाइज बाई गवर्नमेंट, फंक्शन ऑफ द स्टेट वो भी एक्सरसाइज बाई गवर्नमेंट, लॉ ऑफ द स्टेट मेड एनफोर्स बाई गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कर रही है। ठीक, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है? जस्टिस फॉर गो बाय द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। जस्टिस, अब हमारे यहाँ न्याय, न्याय हमारे नियम कैसे दिया जाता है? फॉर गो मतलब दिया जाता है बाय द जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का ही, वैसे गवर्नमेंट के, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, ठीक, ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक, और इसके तीन मेन ऑर्गन है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीन मेन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो तीन मेन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्हीं तीन ऑर्गेनाइजेशन से जो जस्टिस है, जो हमारा न्याय है हमारे कंट्री में, वो भी गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है, वो प्रोवाइड कराता है। ठीक, अदर सर्विसेज लाइक डिफेंस हो गया, ठीक, डिफेंस, इशू ऑफ करेंसी, पैसे से रिलेटेड कोई मामला हुआ, डिफेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड हो गया, ब्रिजेस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हेल्थ हो गया, वाटर हो गया, फॉरेन रिलेशंस हो गए और कम्युनिकेशन हो गए। ये सारे पॉइंट्स की जो सारे इश्यूज हैं वो कौन डील करता है? हमारी गवर्नमेंट डील करती है। कौन डील करता है? जो हमारे बेसिक ये सारी चीज़ें हैं, हमारे डिफेंस, हमारे इशू ऑफ करेंसी, ट्रांसपोर्ट, रोड, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, वाटर, फॉरेन रिलेशंस, कम्युनिकेशन, कौन डील करता है? गवर्नमेंट डील करती है। तो गवर्नमेंट सब कुछ कौन डील करता है? गवर्नमेंट कर रही है। ठीक, तो गवर्नमेंट वो टैक्सेस फॉर दिस सर्विसेज, और गवर्नमेंट क्या करती है? ये जो सर्विसेज वो दे रही है उसके लिए वो टैक्स भी लेती है। क्या करती है? टैक्स भी लेती है। गवर्नमेंट वो टैक्सेस फॉर दिस सर्विसेज। ठीक, अब जो ये तो हमारा तीसरा, अब ये हमारा चौथा हो गया, अब ये हमारा पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट क्या है? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ठीक है, जो गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट होती है, भले हम ये कह सकते हैं कि हर एक स्टेट, हर एक कंट्री में अपनी गवर्नमेंट होती है, भले हम ये कह दें कि गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो अलग अलग हो सकता है।
ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो फॉर्म है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई भी स्टेट है बिना गवर्नमेंट के, कोई भी कंट्री है बिना गवर्नमेंट के, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इंडिया है, अमेरिका है, ये है लोग, ये सब हैं, ये डेमोक्रेसी है यहाँ सब जगह, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन कुछ जगह जैसे रशिया है, चाइना है और कोरिया है, ये सब जगह कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे भी तो गवर्नमेंट है, वो जो रूल कर रही है, एक स्टेट है, अभी तो स्टेट है, लेकिन वहाँ उस इसका इस गवर्नमेंट का फॉर्म बदल जाता है, गवर्नमेंट का फॉर्म बदल जाए, लेकिन कोई स्टेट हो ही नहीं सकता बिना गवर्नमेंट, गवर्नमेंट होगी ही होगी भले उसका फॉर्म अलग हो, एनी हाउ गवर्नमेंट होना ही है। तो आपने देखा गवर्नमेंट का कितना इंपॉर्टेंट है स्टेट में, एक स्टेट स्टेट बन ही नहीं सकता बिना किसी गवर्नमेंट के, ठीक, क्योंकि उसको गाइड करना, प्रॉपर मेंटेन, मतलब पूरा उस पर निगाह बनाए रखना, वो चीज़ें प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड करते रहना स्टेट को, कौन तो कौन बनाए रखता है, तो हमारा गवर्नमेंट ही है, ठीक। अब गवर्नमेंट के बाद अब तो चौथा पॉइंट हम देखते हैं सवर्निटी, और सवर्निटी के बाद हम नेचर, थोड़ा सा आपको कुछ कुछ उधर आपने 5 पॉइंट नोट किया, और उसके अलावा जो कुछ पॉइंट है मैं आपको बस डिक्टेट कर दूंगी, आप खुद से ही लिखेंगे, अगर इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता तो चले एटलीस्ट आप लोग खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं कर पाऊंगी तो अभी अच्छे से डिटेल में कि चीज़ें जैसे नेचर हो गया, किसी का कैरेक्टरिस्टिक या किसी का मतलब किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो कैसे करें, मैं आपकी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, मैं देखूँ तो आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, वरना मैं बता दूँगी तो फिर वही आदत रहेगी, तो एग्ज़ाम में कुछ अलग आएगा तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम है। एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा अगर आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का, तो फिर बहुत ही दिक्कत होगी, फिर आप लोग कैसे करोगे, तुरंत आएगा और चीज़ें चीटिंग करने के लिए ढूंढने, टूटर पॉइंट ऐसे लिख के तो आप ले रखा नहीं हुआ है कुछ भी, सब कुछ आपको दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, तो उसमें दिमाग काम नहीं करेगा क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है। तो पहले आप लोग थोड़ा कोशिश करिए, अगर नहीं हो पाता है तो मैं सच में आप कमेंट करिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा के, क्योंकि जादू तो है नहीं कई बार समझ में आ जाना है, उससे बस देखिए मुझे समझ, मतलब मुझे पता चले आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सवर्निटी पढ़ेंगे, सवर्निटी के बाद इस वीडियो में इतना ही करेंगे, फिर नेचर डिटेल करेंगे, फिर दूसरी वीडियो में आपकी जो थ्योरीज हैं, जो भी बहुत सारी थ्योरीज हैं ना स्टेट से लेके, उसको मैं डिस्कस करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अब आप मुझे बताइएगा कि आप नेचर लिख पा रहे हैं कि नहीं खुद से, नेचर में क्या होता है, सिर्फ हम उस चीज़ के बारे में बताते हैं, सवर्निटी पर डिस्कस करते हैं। तो आइए सवर्निटी लास्ट वाला जो हमारा एलिमेंट है, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट के बाद जो चौथा एलिमेंट सवर्निटी, अब ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेचर थोड़ा सा बात करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो। हाँ फ्रेंड्स, तो अब सवर्निटी हमें पढ़ना था, तो सवर्निटी देखिए, सवर्निटी में हम पहला पॉइंट ये पढ़ते हैं, सवर्निटी मीन्स, पहले आप समझ लीजिए नॉर्मली होता है सवर्निटी मीन्स कि संप्रभुता, संप्रभुता मीन्स कि अगर ये चीज़ है, अगर यहाँ पे हमारी सवर्निटी है तो इसमें हमें कोई भी रोक टोक नहीं सकता, मतलब हम ही हम हैं, बस सर्वत्म अपना ही सर्वे सर्वा मीन्स कि जो हमारी स्टेट है तो उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो सवर्जिन होती है, उसे ना कोई बाहर से किसी चीज़ के टोक सकता है, हाँ जाकर मतलब बहुत एक्सेप्शन केस होता है कि जब उनको डिस्टर्बेंस हो रही है हमारी किन चीज़ों से तो वो बोलेंगे कि फिर हम उस पर वर्क करेंगे, वो दूसरी चीज़ है, लेकिन अगर हम अपनी कंट्री के लिए कोई फैसिलिटी या कुछ भी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो ना उनको वहाँ के कुछ बोलने का, ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई और बोल सकता है, मतलब सवर्जिनिटी है, उसके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, संप्रभु है, ठीक। तो उसका स्टेट में कैसे क्या रोल है, आइए देखते हैं भैया, क्योंकि जब तक हमारे पास पावर्स नहीं होंगी, अगर गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होगी तो गवर्नमेंट कैसे स्टेट को रूल करेगी, कोई भी एक बंदा आएगा, सिटीजन आएगा, कहेगा कि तुम गलत हो, तुम हटो, जो उसके अगेंस्ट है तुम हटो, हम रूल करेंगे, या एंटी पार्टी वाले आएंगे, अरे कैसा है ये, अच्छा नहीं है, इसको हटाओ, और वो तो कुछ कुछ राइट्स और कुछ पावर्स ऐसे होने चाहिए जो सवर्जिन बनाता है, उसे संप्रभु बनाता है कि उसके अबव और कोई नहीं है, उसके सुप्रीम कोई नहीं, ठीक। देखिए अब चलते हैं स्टेट में, जैसे कि हमारे घर में हमारे मॉम डैड हैं, अगर वो डिसीजन जो ले लेते हैं वही हमको लेना, मतलब हम कन्विंस कर सकते हैं उन्हें कि ऐसे ऐसे चीज़ देखिए ये सही है ये गलत है तो हमें ऐसा परमिशन दे दीजिए ये सही चीज़, लेकिन अगर जो फाइनल डिसीजन होगा उन्हीं का होगा, जैसे हम सिटीजन्स हैं, हम अपनी बातों से अपने जो अपील्स हैं अपनी बातें रख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू राइट्स ये होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू चीज़ें ये होना चाहिए, लेकिन जो उसे चेंज करने का वे है, जो उसे फाइनल डिसीजन होगा वो हमारे हेड होगा, हमारे जो सवर्जिन, क्योंकि हेड कौन है, हमारी गवर्नमेंट, उसी का डिसीजन होगा, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे सिस्टम जुडिशियल है और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव, उन्हीं लोग का जो फाइनल डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन माना जाएगा, क्योंकि कुछ राइट्स है ना, बिना राइट्स के हम
मतलब किसी चीज का रूल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो अथॉरिटी भी होनी चाहिए। बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं निभा सकते, या बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के अथॉरिटी, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पावर दे दी जाए कोई काम ना रहे तो वो भी बेकार है, हम मिसयूज करेंगे। और बहुत सारा काम दे दिया जाए लेकिन पावर ही ना रहे तो भी हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ समझिए क्या है सोवेजिनिटी मीन्स सुप्रीम एंड फाइनल लीगल अथॉरिटी एवर एंड बियॉन्ड एक्स एम एल लाइन। ऐसे ड्रॉ कर दूँ वरना आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि इसके बाद कितना कौन सा है। मैं जानबूझ के मतलब ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट मतलब किसके पॉइंट कितने हैं कहाँ से आपको पता चल जाए, आप मिक्स और ना हो जाओ इसके साथ। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट जो है हमारा सोवेजिनिटी। सोवेजिनिटी मीन्स सुप्रीम एंड फाइनल लीगल अथॉरिटी। सुप्रीम फाइनल लीगल, सुप्रीम जो हेड है एकदम, लीगल अथॉरिटी अबव एंड बियॉन्ड विच नो लीगल पावर एग्जिस्ट। सोवेजिनिटी का मतलब वो ये होता है कि किसी भी चीज़ को अगर सोवेरिजिन कहा जाता है कि उसको, तो उसका ये मतलब होता है कि अगर हमारा गवर्नमेंट सोवेरिजिन है, हमारा स्टेट सोवेरिजिन है, मतलब कि वो सुप्रीम और फाइनल अथॉरिटी है, उसके अबव कोई और नहीं है, कोई कुछ नहीं कह सकता। सुप्रीम एंड फाइनल अथॉरिटी अबव एंड बियॉन्ड विच नो लीगल पावर एग्जिस्ट, उसके ऊपर कोई लीगल पावर नहीं, वही है सब कुछ, वही सुप्रीम है। ठीक, सोवेरिजिन का मतलब। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, विदाउट सोवेरिजिनिटी देयर कैन बी नो स्टेट इन अ लीगल सेंस। अगर हम लीगल सेंस में देखें तो बिना सोवेरिजिनिटी के कोई भी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब कोई उसके ऊपर मतलब जब कोई उसको रूल करने वाला लीगली लॉ अथॉरिटी पावर के साथ, कि अगर कोई गलती मतलब कि उसको गाइड करने वाला कोई नहीं रहेगा स्टेट को, और लीगली मतलब उसके पास पावर के साथ कि मतलब जैसे कि आप कैसे बताओ, जैसे हमारी कंट्री है, हमारे कंट्री में हर एक चीज़ के लिए लॉ बनाया हुआ है। ठीक, लॉ तो बन गया लेकिन उसका इन्फोर्स स्ट्रांगली हो वो गवर्नमेंट अगर सुवर्जित नहीं होगी, अगर मान लीजिए अगर सुवर्जित नहीं होगी तो वो उसको कैसे इन्फोर्स करा पाएगी, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट कैसे करा पाएगी। जैसे कि कोई मतलब अगर कोई क्राइम करता है तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, ये लॉ लिख दिया गया, लेकिन जब वो क्राइम किया तो उसको पनिशमेंट मिले उसके लिए किसका मतलब किसी ने किसी का एकदम ऊपर बिना किसी उस चीज़ को फॉलो कराने के लिए कोई ऊपर हेड में होना चाहिए जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो कराए, उसको उसके ऊपर किसी चीज़ का दबाव ना हो, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का उससे ऊपर कुछ हो ही ना कि जो उसको दबा सके कि नहीं ऐसा नहीं करना है, उसको छोड़ दो। तो वो एक ऐसा पावर अथॉरिटी होना चाहिए हमारे पास जो हम सभी जो जो जैसी चीज़ें हैं उनको उस तरीके से फॉलो करा सके। तो अथॉरिटी हमारे पास पावर होगा तब तो हम वो चीज़ फॉलो करा पाएंगे, तो वो पावर होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी कंट्री ने दूसरी कंट्री ने अटैक किया, ठीक, तो हमारे पास ये पावर होना चाहिए कि हम उसको जवाब दे सकें, और हमारे पास लीगल सोवर्जिन होना चाहिए। हम कोई लॉ ला रहे हैं, कुछ चीज़ें ला रहे हैं, दूसरी कंट्री आ रही है इंटरफेयर कर रही है, मना कर रही है, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो हमारी तो अपनी सोवर्जिनिटी होनी चाहिए, मतलब हमारी संप्रभुता, मतलब हम ही हम सुप्रीम होने चाहिए अपने यहाँ। जब हम अपने ही यहाँ ही सुप्रीम नहीं रहेंगे तो दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट से हम क्या लड़ेंगे। तो ये होती है सोवर्जिनिटी, आई होप आप समझ रहे हैं। विदाउट सोवर्जिनिटी देयर कैन बी नो स्टेट इन लीगल सेंस। किसी लीगल सेंस में कोई स्टेट, जब पावर ही नहीं रहेगी तो स्टेट कैसे रह जाएगा, दूसरे से फाइट कैसे करेंगे, दूसरे अपने में नहीं मिला लेंगे उसको। ठीक, इट डिस्क्लूज द स्टेट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन। जो सोवेरिजिनिटी है वो बांटती है, अलग करती है स्टेट को और सभी ऑर्गेनाइजेशन से, और भी ऑर्गेनाइजेशन लेकिन उन सब के पास सोवेरिजिनिटी नहीं है जितनी कि स्टेट के पास है। अगर स्टेट ही मतलब पावर, स्टेट के पास पावर नहीं रहेगा तो स्टेट मीन्स स्टेट रह ही नहीं जाएगा, मतलब उसके पास पावर ही नहीं है तो वहाँ के लोगों को डील कैसे करेगा। सब कहेंगे तुम हुए हो बड़का, चलो हटो तुम, हम हैं हाँ, हम बड़े हैं, ये तो कोई होना चाहिए ना डांट के, जैसे हम हैं हम अपने भाई को तो चलो हटो हटो कर देंगे मेरे बराबर एज का, लेकिन जो हमारे मम्मी पापा हैं जो हेड हैं वो डांटेंगे नहीं ये सही है ये गलत है यही करो। अगर जब वो नहीं, अगर वो नहीं रहेंगे तो हम लोग तो लड़ लड़के अपने भाई बहन पूरा सब कुछ घर का कबाड़ा कर देंगे। तो मतलब चीज़ें डिस्ट्रॉय ना हो, कोई ऊपर हेड हो बैठा हुआ, सोवेरिजिन हेड हो जो सब कुछ कंट्रोल करे। ठीक, ये चीज़ है। स्टेट डील्स डिपेंडेंटली विथ अदर स्टेट। जो स्टेट हमारा जो स्टेट है वो और दूसरे स्टेट के साथ इंडिपेंडेंट है, वो किसी और स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सभी अपने डिसीजन सभी लॉ खुद से ले सकता है, मतलब वो दूसरे स्टेट से मतलब कोई उसके ऊपर दबाव भी नहीं बना सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सोवर्जिन है।
उसका उसके दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, वो खुद से अपना डिसीजन लेगा, लॉ बनाएगा, सारी चीजें करेगा। तो स्टेट डील इंडिपेंडेंटली विद अदर स्टेट, और जो भी चीज़ें दूसरे स्टेट से जो भी लेन देन कम्युनिकेशन जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी चीज़ें होती हैं वो इंडिपेंडेंटली करती हैं। ठीक है, स्टेट कमांड द यूज़ ऑफ फोर्स। ठीक है, स्टेट कमांड द यूज़ ऑफ फोर्स, कोई भी अपना कमांड फॉलो करवाने के लिए अपने फोर्स अपने राइट्स का यूज़ करती है। जो सॉवरेन है उसके पास राइट्स हैं, हाँ तो मी सुप्रीम हो, तो वो अपने सुप्रीम अथॉरिटी का यूज़ करके चीज़ें फॉलो करवाती है, लागू करवाती है। क्योंकि अगर उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं होगी, सुप्रीम पावर नहीं होगी, तो लोग उसकी बात क्यों मानेंगे। ठीक है, द स्टेट लूजेज इट्स सॉवरेनिटी बिकॉज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन। जो स्टेट है वो अपना जो है सॉवरेनिटी संप्रभुता सुप्रीम पावर और लूज भी कर सकती है, दो चीज़ों की वजह से, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से। जो गुस्सा होता है उठता है अंदर और बाहर, स्टेट के अंदर भी हो सकता है, स्टेट के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो 70 को डिवाइड किए जेन बॉर्डिन, एक क्या थे, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी थे जेन बॉर्डिन। उन्होंने सॉवरेनिटी को दो पार्ट में बांटा, इंटरनल सॉवरेनिटी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। ठीक है, अच्छा हाँ अनके ये आपको नहीं बताया मैंने ठीक से, द स्टेट लूजेस सॉवरेनिटी बिकॉज ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन। इंटरनल एग्रेशन मतलब जो स्टेट के अंदर जो सिटीजन के द्वारा, उस स्टेट के सिटीजन के द्वारा जो चीज़ें क्या मतलब मारपीट अटैक्स वगैरह की जाती, उसके थ्रू भी जैसे NRC और CEA के टाइम कितना ज़्यादा अटैक हुआ अपनी कंट्री के कंट्री में ही, अपने स्टेट के अंदर भी हो रहा था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो चीज़ क्या इंटरनली बहुत सारा रिवॉल्ट हो रहा था। तो अगर वो बहुत ही हाई लेवल पर अगर पहुँच जाता तो गवर्नमेंट को हटना पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे लोग। ठीक, तो वो इंटरनल एग्रेशन होता है, उसके थ्रू गवर्नमेंट या सुप्रीम पावर अपनी जगह से हट रही है, दूसरी सुप्रीम पावर आएगी जो दूसरी रूलिंग पार्टी होगी, दूसरी गवर्नमेंट होगी। तो ठीक, और उसके बाद में ये तो इंटरनल एग्रेशन हो गया। एक्सटर्नल एग्रेशन क्या था हमारा, एक्सटर्नल एग्रेशन था कि जैसे जो स्टेट के बाहर, जैसे मान लो चाइना, चाइना हमसे फाइट कर रही थी, हम पे अटैक कर रही है और सारी चीज़ें कर रही हैं, तो एक्सटर्नली हमें बर्बाद करने के लिए, गवर्नमेंट को वो डिस्ट्रॉय करने की चीज़ें हो रही हैं। तो जो एक्सटर्नल एग्रेशन है उसकी वजह से भी हमारा जो सुप्रीम पावर में अथॉरिटी में सॉवरेनिटी है वो भी छीन सकती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हुई, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशन। अब क्या है, डेविन डिवाइड सॉवरेनिटी टू पार्ट, इंटरनल सॉवरेनिटी एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। ठीक, और इसको डिवाइड किसने किया था, जिम बॉर्डिन ने, जो कि फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक, अब इस तरह से जो बटा इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, तो इंटरनल सॉवरेनिटी मीन्स क्या होता है, जैसे कि आपने इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन देखा, वैसे इंटरनल एक्सटर्नल का मीनिंग यही चीज़ें यहाँ पे। इंटरनल सॉवरेनिटी वो सॉवरेनिटी होती है जो हमारी कंट्री के लोगों के साथ हमारा जो होता है। देखिए, स्टेट इज अ सुप्रीम ओवर ऑल इट्स सिटीजन एंड एसोसिएशन। जितने भी सिटीजन हैं हमारे कंट्री में, जितने भी एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें जो है सुप्रीम है हमारा जो है स्टेट वो, हाँ तो वो हमारे क्या है, इंटरनल हमारे कंट्री स्टेट के अंदर की सॉवरेनिटी हुई, उसके अंदर के लोगों के लिए सबसे सुप्रीम वो है। ठीक, अब एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या हुई, स्टेट इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम फॉरेन एंड आउटसाइड कंट्रोल। ठीक है, जो आउटसाइड जितनी भी चीज़ें और दूसरी जो स्टेट्स हैं वो भी उनसे इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर किसी पर डिपेंडेंट नहीं, वो अपना डिसीजन सब कुछ इंडिपेंडेंट ले सकता है, वो अपने लिए सुप्रीम पावर है, उस बाहर से कोई कंट्रोल उसके ऊपर नहीं हो सकता है। ठीक है, वो सॉवरेन है, इंडिपेंडेंट है, बाहर से कोई भी चीज़ कोई डिसीजन लेने के लिए एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक, तो वो एक्सटर्नल सॉवरेनिटी होगी, इंटरनल जो अपने स्टेट या अपने कंट्री के अंदर जो भी चीज़ों के लिए सुप्रीम अथॉरिटी लोगों और सभी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन के लिए, वो हमारा इंटरनल सॉवरेनिटी होगी। ये हुआ, अब रही बात नेचर की, तो आप इसको हम 5 पॉइंट नेचर के बताए थे, और नेचर के आप पॉइंट लिख के लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं पा रहे हैं आप तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं जब आप इसके बाद जब थ्योरीज का वीडियो लाऊंगी तो उसमें आपको क्या करूंगी, नेचर अच्छे से, नेचर ही नहीं सब कुछ, कैसे कैसे जो चीज़ें पॉइंट वाइज नहीं दी रहती हैं उन्हें एक्चुअली में हम कैसे बनाएं खुद से, कैसे मेक करें एग्जाम के पर्पज में, अचानक से जब एग्जाम आ जाता है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, और आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी पॉलिटिकल स्टेट की जो थ्योरीज हैं बहुत सारी वो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, अपना ढेर सारा सपोर्ट देना, और चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, जो मेरे वीडियो के नीचे रेड कलर से वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम है अपना भी ये क्लासेस, जस्ट बगल में सब्सक्राइब रेड कलर से, उसको क्लिक कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि जब भी मैं आपको कोई वीडियो बनाऊँगी तो तुरंत आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो
उससे क्या होगा, आपको तुरंत आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा और आप अपनी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।